हाय मोमीज़ वेलकम बैक टू माय चैनल मोमीज़ एंड क्यू तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ टेन डाइपर हैक्स जो अगर आप यूज़ करते हैं वो सारे हैक्स तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी अगर आप अपने बेबीज़ को डाइपर पहना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है अगर आप न्यू पेरेंट हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसके पहले मैं आपको बोल दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस पर आपको सारे मदर केयर और बेबी केयर रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हैक नंबर वन ये है कि जब भी आप बेबी का डायपर बाय करते हैं तो उसको इस तरह से आपको बहुत डिफ़िकल्टीज होती है अगर आप उसको ऊपर से ओपन कर देते हैं तो वो यूज़ करने में निकालने में बहुत डिफ़िकल्टी हो तो आप क्या कर सकते हैं उसको मिडल से ऐसे इस तरह जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है उस तरह से कट कर दें और इसके बाद उसको फ़ोल्ड कर दें तो उससे क्या होगा कि आपको जब भी बेबी को डायपर लेना होगा आप इन इंड्रॉल में इस तरह से रख दीजिए जब भी चाहिए होगा तो आपके लिए वो निकालना बहुत ईजी हो जाएगा तो इस तरह से आप अपनी लाइफ को थोड़ा आसान बना सकते हैं फैक्ट नंबर टू ये है कि जब भी आप बेबी का डायपर चेंज कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लें और उसमें थोड़ा सा पानी मिला दें और उसको अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कर लें और जब भी आप उसका डायपर चेंज कर रहे हैं तो इस क्रीम को लगा दें थोड़ा सा इसको मतलब लगा के लिक्विड फॉर्म में उसको लगा के थोड़ी देर तक फिर इसके बाद आप उसको डायपर पहनाएं क्योंकि हर बार क्या होता है कि हम नैपी क्रीम यूज़ करते हैं तो बच्चे को उसी चीज़ की आदत हो जाती है मतलब उसकी स्किन को तो आप इस तरह से चेंज कर कर करके चीज़ें कर सकते हैं तो मैं श्लोक के लिए जो यूज़ करती वो बिफोर नैपी क्रीम है वो यूज़ करती हूँ तो मैं हर बार ही उसको ये नहीं लगाती हूँ कभी मैं मस्टर्ड ऑयल लगा देती हूँ इस तरह से पानी में मिक्स करके कभी मैं कोकोनट ऑयल लगा देती हूँ और टाइम uh, मैं uh, नैपी क्रीम लगा देती हूँ तो आप इस तरह से अलग अलग चीज़ें करके बेबी पे यूज़ करें तो स्किन को भी उसकी आदत रहेगी हैक नंबर थ्री ये है कि जब भी आप बेबी का डायपर थ्रो कर रहे हैं तो आप उसको अच्छी तरह से फोल्ड करके इस तरह और इसके बाद उसको कवर में डाल के ही थ्रो करें उससे क्या होगा कि जो भी डस्टबिन लेके जा रहे हैं उनको भी ये पता होगा कि हमको ये डायपर है कहाँ पे थ्रो करना है तो ये इजी वे है हैक नंबर फोर ये है कि आपको बेबी को डायपर फ्री टाइम ज़रूर देना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी स्किन के लिए तो आप वो ज़रूर करें फैक्ट नंबर फाइव ये है कि बहुत सारी ममाज़ को नहीं पता होता है कि बेबी का डायपर कब फुल हुआ है तो वो बार बार चेक करती रहती है थोड़ी थोड़ी देर में तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए तीन से चार घंटे में बेबी का डायपर चेंज कर ही देना है बट यहाँ पे अगर आप न्यू मदर्स है तो आ, पता नहीं होगा शायद आपको कि यहाँ पर एक येलो लाइन्स होती है और साइड के कॉर्नर्स देख के आपको पता चल जाएगा कि बेबी का डायपर फुल हो गया है तो जब भी वो हो जाए तो आपको डायपर चेंज कर देना है हैक नंबर सिक्स ये है कि आपको बेबी को कभी भी आप उसका पैर ऊपर करके क्लीन नहीं करना है उसको आप उससे क्या बेबी को बैक पेन हो सकता है तो आप क्या करें उसको साइड टू तो साइड टर्न करके इसके बाद ही जब भी आप क्लीन कर रहे हैं डाइपर चेंज कर रहे हैं तो उस तरह से क्लीन कर सकते हैं आपको उसके लेग को ऊपर नहीं उठाना है हैक नंबर सेवन ये है कि जब भी आप बेबी का डायपर चेंज करते हैं स्पेशली बॉयज़ मदर अगर आप वो डायपर चेंज कर रही हैं तो ऐसा होता है कि बेबी यूरिन पास करता है तो आपको क्या करना है उसका डायपर चेंज करने से पहले आपको एक वाइप लेना है और वाइप लेके आप उसकी टमी पे ऐसे सहलाएंगे तो उससे क्या होगा अगर उसको ठंडा पा के उसको यूरिन पास करना है तो वो कर लेगा इसके बाद आप आराम से रुक के थोड़ा सा डायपर उसका चेंज कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा हैक है जो मैं श्लोक पर यूज़ करती हूँ तो मेरे लिए बहुत यूज़फुल है ये तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें एक्ट नंबर एट ये है कि जब भी आप बेबी को डायपर फ्री टाइम देते हैं तो आप ऐसी शीट्स आती है वो बाई कर लें उससे कैसा होता है प्लास्टिक की होती है और इसको वॉश करना भी बहुत ईजी होता है तो उस पर आप बेबी को रख सकते हैं तो आप इससे क्या होगा आपका जो बेड है वो भी गीला नहीं होगा तो ये आपके लिए यूज़फुल हो जाएगा हैक नंबर नाइन ये है कि जब भी हम बेबी का डायपर चेंज करने लगते हैं तो कोई कोई बेबीज होते हैं जो बहुत क्रैंकी हो जाते हैं तो आपको क्या करना है पहले आप बेबी को कोई टॉय दे दें कुछ भी दे दें जो वो खेलता रहे इसके बाद आप उसका डायपर इजीली चेंज कर सकते हैं हैक नंबर टेन ये है कि जब भी आप बेबी को बात दे रहे हैं तो बेबी सोप लगा के आपको वो डाइपर एरिया अच्छी तरह से क्लीन करना है हर रोज़ ताकि उसमें कोई भी डस्ट जमा ना हो तो क्योंकि आप डाइपर पहना रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है सो थैंक यू सो मच गैस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसको लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को और ये सारे हैक्स है जो मैं श्लोक पे ट्राई करती हूँ और ये बहुत यूज़फुल है मेरे लिए तो आप ज़रूर ट्राई करें अगर आप न्यू मदर्स हैं तो